हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मिनी रसोई में। आज मैं आप लोगों के लिए शरद पूर्णिमा के अवसर पर बनने वाले खीर की रेसिपी लाई हूँ। इस खीर में मैंने खजूर गुड़ का भी इस्तेमाल किया, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने 1 kg दूध लिया था और उसे एक गहरे बर्तन में जिसमें मोटा तला था मैंने डाल के बॉयल करने के लिए रख दिया। दोस्तों, जब भी आप खीर बनाइए किसी गहरे तले, मोटे तले और गहरे बर्तन में ही बनाइए। इससे खीर बहुत ही आराम से पकती है और ऊपर उफनती नहीं है। अब मेरे दूध गर्म होने लगे हैं, बीच में मैंने चला दिया है। दोस्तों, अच्छी तरह से चला देने के बाद मैं पहले दूध को गर्म कर लूँगी। और मैंने 1 kg दूध में लगभग 1 मुट्ठी चावल लिया है, उसे 100 ग्राम कर लीजिए। 100 ग्राम चावल को धो के पहले ही मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और धो करके मैंने 1.5 से 2 घंटे तक भिगो दिया था। मैंने बासमती चावल लिया है नॉर्मल, आप चाहें तो कुछ भी और भी ले सकते हैं। इसके साथ बासमती छोटी वाली या गोविंद भोग हो तो ज़्यादा अच्छी होती है। मैं छोटी बासमती ज़्यादा अच्छी और टेस्टी भी लगती है क्योंकि वो जल्दी घुल जाती है। दोस्तों, और अब मैंने चला दिया है अच्छी तरह से डालने के बाद चावल को, और अब मैं इसे पकने दूँगी। मैं इसे खुले ही बर्तन में पकाऊँगी। फ्रेंड्स, शरद पूर्णिमा के अवसर पर खीर खाने का बहुत ही महत्व है और इस दिन कहा जाता है कि चंद्रमा से अमृत बरसता है, बहुत सारी रोग और बीमारी दूर होती है। तो प्लीज़ आज के दिन आप लोग अवश्य खीर बनाइए और डालिए चंद्रमा की रोशनी में, ढक के रखिए और उसके बाद दूसरे दिन खाइए, बहुत सारी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। और अब मैंने देखिए इसमें 2 इलायची कूट करके डाल दिया है। दोस्तों, दोनों इलायची को अच्छे से कूट कर डाला और 1 मुट्ठी ही मैंने काजू को रफली कूट लिया था और उसे डाल दिया है। काजू डालने से, रफली कूटा हुआ डालने से, एक तो मुंह में उसके बाइट भी आते हैं और जो थोड़ी सी जो काजू चूर जाती है उससे हमारी खीर बहुत अच्छी गाढ़ी हो जाएगी और काजू का फ्लेवर एकदम आएगा। दोस्तों, मैंने आज शरद पूर्णिमा के चलते इसमें कुछ भी नहीं डाला, केवल इलायची डाला है फ्लेवर के लिए, क्योंकि स्वयं उस दिन चंद्रमा अमृत बरसाते हैं तो मैं क्यों ज़्यादा इसमें करूँ। बहुत ही टेस्टी हो जाता है। रात भर आप इसे चंद्रमा के पूर्णिमा में चंद्रमा के नीचे रखिए, किसी अच्छे जाली से ढक के, और सुबह खाइए, बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ही फायदेमंद होती है। और जब मेरी खीर लगभग पक गए तो मैंने मेरे खीर के चावल अच्छी तरह से गल, मैंने हाथ से देख लिया था गल गए थे, तो मैंने लगभग इसमें 75 ग्राम, मैंने देखिए 25 ग्राम वाले जो चम्मच होते हैं मेजरमेंट वाले, उससे मैंने 1 चम्मच भर करके और 1 मैंने थोड़ा हाफ डाला, तो मैंने 75 ग्राम चीनी डाला है क्योंकि इसमें मैं थोड़ा सा खजूर गुड़ भी डालूंगी। अगर आप खजूर गुड़ आपके पास नहीं है तो प्लेन गुड़ भी डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। और शरद पूर्णिमा के अवसर पर इस तरह की खीर अवश्य बनाइए। वैसे खजूर गुड़ अमेजन पर उपलब्ध है, अगर आप लोग इंडिया में हैं, इंडिया या इंडिया के बाहर भी हैं तो आप अमेजन से मंगवा सकते हैं, वो सालों भर आपको अमेजन में उपलब्ध है पाम जेगरी के नाम से। और अब देखिए मेरे खीर बिल्कुल बन गए हैं, गाढ़े हो गए हैं, और अब मैं इसमें थोड़ा सा खजूर गुड़ डाल दूंगी। फ्रेंड, खजूर गुड़ लगभग मैंने 50 ग्राम डाला है, केवल इसमें थोड़ा सा कलर आ जाता है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो प्लीज़ आप लोग इस खीर को ज़रूर बनाइएगा और बहुत ही टेस्टी बनी थी ये खीर। इसे बनने में लगभग मेरे 1.5 घंटे लगे थे, मैंने बनने वाले प्रोसेस को हटा दिया। दोस्तों, तो देखिए मेरे खजूर गुड़ एकदम रेडी हो गए हैं। इसे चंद्रमा की रोशनी में रखिए और दूसरे दिन खाइए। और हैप्पी शरद पूर्णिमा फ्रेंड्स, भगवान आप लोगों को सभी तरह के बीमारियों से दूर करें। और अब मुझे आज्ञा दीजिए, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।